नमस्कार, 22 की लहर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। आज मैं जिस जगह पे आई हूं, उस जगह को देखकर आप ज़रूर कहेंगे कि ये वो इलाका है जहां से राजनीति शुरू होती है। जी हां, आप ठीक समझ रहे हैं, गाज़ियाबाद का वो इलाका है जहां पर लोग आपको अमूमन हर गली नुक्कड़ पे चाय की चुस्कियाँ लेते हुए और राजनीति की बात करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। और आगामी विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, अगले साल काफ़ी नज़दीक है, तो ऐसे में राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्मा जाता है। और जब राजनीति की बात होती है तो हर कोई एक जगह पर इकट्ठा होकर बात करता है कि आखिरकार इस साल लहर किस बात की है, किसकी लहर है, क्या मुद्दा होगा, लोगों का क्या सरोकार होगा। चलिए हम बात करेंगे कुछ लोगों से इसी घंटाघर इलाके में जो मशहूर है राजनीति की बातों के लिए। और यहाँ पर कुछ चाय की दुकान पे लोग बैठे हुए हैं जो राजनीति की आमतौर पर बातें भी करते रहते हैं, और इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार किसकी लहर है और ये लोग अमूमन राजनीति की बात करते इकट्ठा होकर। और इन लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आगामी चुनाव में किसकी लहर है और क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं। आपका नाम? प्रदीप शर्मा। आपके हिसाब से, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, तो किसकी लहर है? देखो जी, फिलहाल तो लहर अभी बीजेपी की है और हम तो यही चाहेंगे कि बीजेपी ही आए, क्योंकि ना तो हमें उनसे कोई ऐसी बात है कि हमें कोई नुकसान हुआ है या वो हुआ, बल्कि फायदे ही फायदे हमें हुआ, तो हम तो चाहेंगे बीजेपी ही आनी चाहिए और हमेशा बीजेपी ही रहना चाहिए। किसकी लहर है आपके हिसाब से? योगी जी की लहर है जी पूरी। आपके हिसाब से क्यों? बीजेपी सही है, अपना काम संभालती है, सब बढ़िया तरीके से काम करती है, कोई गुंडा राज नहीं, सब बढ़िया काम है। क्या सबसे ज़्यादा खास लगा उनके कार्यकाल में, ऐसा जिसे आपको लगता है कि उन्हीं को वोट देना चाहिए? सारी गुंडागर्दी बंद कर रखी है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करते हैं। आपका ये कहना है कि इससे पहले जो सरकार आई थी गुंडा राज ज़्यादा था? गुंडा राज ज़्यादा उस टाइम था, ज़्यादा अब नहीं है। अब नहीं है, योगी जी ने काफी अच्छा काम किया है, क्राइम अच्छा। नहीं है। हाँ जी। तो राज्य में फिर से आप चाहते हैं कि योगी की सरकार? हाँ जी, मोदी जी। आपके हिसाब से लहर किसकी है? मेरे हिसाब से लहर तो जो है कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी ही है, इसके अलावा इस कोई पार्टी नहीं इसके सामने। आपको नहीं लगता कि किसी के बीच कांटे की टक्कर होगी अगर जब चुनाव नजदीक है? ऐसे में ऐसा कोई नहीं दिखता जो कांटे की टक्कर पे हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो प्रबुद्ध जनों की पार्टी है, इसमें पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, सेंसिबल हैं, कि जो है सोच समझ के कार्य करते हैं, हमें जनता के हित में क्या कार्य करने चाहिए। और क्या खास लगता है आपको योगी जी के बारे में? आप बोल रहे हैं कि वही होने चाहिए, तो ऐसा और क्या खास है जैसे कि उन्हीं को उन्हीं की सरकार? खास क्या लगता है, ये भी बहुत आपने बहुत अच्छी बात पूछी। खास यह कि पहले सरकारों में हम देखते थे लाइट जाती थी 5-5, 6-6 घंटे के लिए इकट्ठी जाती थी, और आज लाइट जाती है तो केवल 2-4-5 मिनट के लिए। हमारे साथ कुछ और भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे जाने की कोशिश करते हैं यहाँ। हालांकि जिन जिन लोगों से मैंने बात की है उनका ये कहना है कि कोई कांटे की टक्कर है ही नहीं है, अगर लहर है तो सिर्फ बीजेपी की है और हमेशा कमल खिलता रहे, यही उम्मीद करते हैं। लेकिन कुछ लोग और भी बैठे हैं, हो सकता है वो कुछ और भी कहें, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? अशोक कुमार गुप्ता जी। अशोक जी, आपके हिसाब से किसकी लहर है? बीजेपी की लहर। बीजेपी की है, आपके हिसाब से बीजेपी को क्यों वापसी करनी चाहिए? काम कर रहे हैं, सभी तरह का काम हो रहा है जी, और कोई सरकार होती नहीं करती जी, इससे पहले की सरकार से सब ऐसे ही थे, गुंडागर्दी भी कम हुई है। तो आपके हिसाब से भी गुंडागर्दी कम हुई है, इस पर काफ़ी फोकस है। सरकार ने भी हालांकि इस मुद्दे को बताया है जनता को कि गुंडागर्दी कम हुई है, लोगों बदमाशों को पकड़ा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोच रखते हैं जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर। गोविंद जी, आप क्या सोचते हैं इस चुनाव में किसकी जीत होनी चाहिए? बीजेपी की जीत होनी चाहिए। कोई मुद्दे हैं ऐसे जो आपको सरकार तक पहुँचाना है न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से? अभी तक तो जो भी चल रहा है वो ठीक ही चल रहा है, जो भी चल रहा है वो ठीक चल रहा है, किसी किस्म से कोई कमी महसूस नहीं करी। जो भी चल रहा है वो ठीक चल रहा है, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसा चाहते हैं सरकार उनके मन के मुताबिक ही काम करती है। और कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चाहते हैं जब 2022 में चुनाव होंगे और कोई भी पार्टी आती है जीत कर, तो उनसे उनकी उम्मीदें क्या है। आपके हिसाब से किसको आना चाहिए, किसकी लहर है? मैडम, आने में तो बीजेपी की भी कोई ऐसी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है, अगर रिपीट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर काफ़ी समस्याएं भी जो हैं, जैसे सिलेंडर महंगा हो गया है, जो आम जनता को परेशानी हो रही है, सिलेंडर महंगा है, पेट्रोल महंगा है, इस चीज़ पे भी पार्टी को इन्हें ध्यान देना पड़ेगा,
और जैसे काफ़ी समय से लोग पुराने अधिकारी हैं वो आज भी पड़े हुए हैं 5-5 सालों से, जो समाजवादी गवर्नमेंट में भी ऑफिसों में थे, जो मनमानी करके पैसा ले रहे थे, वो आज भी मौजूद हैं, उन पर कोई निगाह नहीं है सरकार की। बाकी वैसे तो ये है कि भाई प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है इनका, और भी जो उन्होंने वादे किए वो भी उन्होंने पूरे किए, पर आम जनता के लिए जो बिजली पानी और जो और चीज़ें हैं इन पर इन्हें ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत इन्हें होने वाली है। आपके हिसाब से जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आप और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इन मूलभूत समस्याओं के अलावा जिसे आप सरकार तक न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं? भाई यही देखो, ये मूलभूत जो समस्या सबसे ज़्यादा जो आम आदमी की वो यही है भाई, बिजली पानी और क्या नाम है गैस, यही लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गरीब आदमी भी बड़े आदमी भी सबको जो उसकी ज़्यादा जरूरत होती है। सिलेंडर बहुत महंगा हो गया, 800-900 रुपये का मिल रहा है, पेट्रोल 100 रुपये से पर, थोड़ा यहाँ जा के थोड़ा सा आदमी डाउन जा रहा है। बाकी मैं सरकार के खिलाफ कोई नाराज़गी नहीं है किसी को, क्योंकि लॉकडाउन में पिछले 2 साल निकले हैं, सरकार बहुत बुरी तरह व्यवस्थाएं उन्होंने संभाली हैं, कुछ व्यवस्था ऑक्सीजन को लेकर गड़बड़ाई थी उस दौरान, पर अब ठीक है, उन्होंने वो व्यवस्थाएं सब संभाली हैं। आपके हिसाब से रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसको और ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आम आदमी हैं उन लोगों को हर रोज़ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो पानी हो, सड़क की समस्या हो, बिजली हो, इन सब से दो चार होना पड़ता है, तो उसे और सुधार करने की ज़रूरत है। हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे जाने की कोशिश करते हैं कि उनका इस आगामी चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं और वो किसको वोट कर सकते हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए, ये क्या सोच रखते हैं। आपको कोई समस्या है सरकार से? कोई नहीं, बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। किसकी सरकार चाहती हैं आप 2022 में? बस ये बीजेपी की। बीजेपी की क्यों आप इतनी खुश हैं बीजेपी से? बीजेपी से कौन सा, बहुत अच्छा काम हो रहा है जी। हाँ, जो भी देखो गुंडागर्दी खत्म हुई है जी, पहले लाइटें ही आती थी कई कई घंटे, लाइट पूरी दे रहे हैं, पानी पूरी दे रहे हैं, पानी की इतनी अच्छी समस्या है जी, बड़बड़ी वो लगा रखी हैं जी, बोरिंग वगैरह। तो ये उर्मिला जी थी जो हमारे साथ बात कर रही थी, उनका तो कहना है कि वो बेहद खुश हैं, जिस तरह से सरकार काम कर रही है उसी तरह से सरकार को काम करना चाहिए, और वो जब वोट देने जाएंगी तो बीजेपी की लहर है और बीजेपी को ही वोट देंगी और योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं। और हमारे साथ कुछ और लोग भी पीछे की तरफ खड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किसकी लहर है, वो किसको वोट देने जाएंगे और वो क्या चाहते हैं, उनकी उम्मीदें क्या है। आपका नाम क्या है? सतवीर सिंह जी, बताइए किसकी लहर है? लहर तो बीजेपी की है मैडम। आप बीजेपी से क्या उम्मीदें रखते हैं? बीजेपी से यही उम्मीद रखते हैं, बच्चों के पढ़ाई वढ़ाई जी, इसी चीज़ की उम्मीद रखते हैं। और कुछ? और यही है बस, राशन वासन टाइम से मिलने। तो लोगों का कहना है कि वो किसी को नहीं सोचते हैं, सिर्फ उनके जहन में एक ही नाम है, एक ही चेहरा है, वो है योगी जी, और योगी जी को ही सोचकर वो वोट देंगे और दोबारा योगी जी को सत्ता में लेकर आएंगे। किसकी लहर है, किसकी सरकार आएगी? हम बीजेपी की लहर है, बीजेपी की सरकार। आप लोगों से मिलते होंगे, बातचीत करते होंगे, सिर्फ वो बीजेपी की बात करते हैं? बिल्कुल, बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे हम, और बीजेपी की लहर है क्योंकि कम में काम हो रहा है, सब देख रहे हैं, सबको मालूम है। हाँ, बीजेपी काम कर रही है। हाँ, किस बात से खुश हैं आप? मैम इस बात से खुश है, देखो काम तो हो रहा है, सबको दिख रहा है, सड़कें ले लो या किसी मतलब हाईवे ले लो, किसी भी चीज़ के ले लो, लेकिन मेन चीज़ यह है कि बीजेपी जो हिंदुत्व को बचा रहा है, हिंदुत्व के लिए सबसे ऊपर है। अच्छा, तो इसलिए मैं बीजेपी को वोट दूंगा। तो पहले बीजेपी क्या, सरकार पहले क्या समस्या होती थी? मैम पहले ये समस्या होती थी कि चालान अगर कट रहा है तो ड्राइवर लोग पैसे दे के निकल जाते थे, लेकिन आज की डेट में पहले चालान कटता सीधा, भ्रष्टाचार पहले से बहुत है लेकिन बहुत कम है। भ्रष्टाचार भी खत्म हो गया? हाँ जी, खत्म नहीं, कम, बहुत कम है। हाँ, और खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, मतलब जिस तरह से काम कर रहे हैं भ्रष्टाचार। हाँ, खत्म हो जाएगा, खत्म हो पहले से। कितना कम आपको लगता है? पहले से मेरे को लगता है कि 20% रह गया है। ये जो हमारे साथ थे उनका ये कहना है कि पहले जिस तरह से भ्रष्टाचार होता था, अगर वो सरकारी काम के लिए जाते थे तो उन्हें हर रोज़ अमूमन आना पड़ता था, हर रोज़ सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे और महीनों लग जाते थे। अब कहते हैं वक्त नहीं लगता, काम जल्दी हो जाता है। बताइए क्या आप, किसकी लहर है, किसको वोट देंगे? बीजेपी को। क्यों बीजेपी को ही वोट देंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि इनके राज में जब से योगी आए हैं जी, गुंडागर्दी 95% खत्म हुई है जी। न प्लाटों पर कब्जे होते हैं, न कोठियों पर कब्जे होते हैं, और न और बिजली 24 घंटे मिलती है जी। अनाज पब्लिक को, जो गरीब लोग हैं उनको फ्री मिल रहा है। आप
और कोई मुद्दे ऐसे हैं जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से हम आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे सरकार तक। जो अब तक के काम में कमी रह गई है उसको पूरा करें। अब देखो कांग्रेस के टाइम में 20 दिन में वो गैस की बुकिंग होती थी 20 दिन में, और उसके 20 दिन के बाद गैस आती थी, एक महीने 20 दिन के अंदर। अब रात को 9 बजे बुक कराओ, सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे तुम्हारे दरवाजे गैस वाला। तो ये तो अच्छी बात है। तो अच्छी बात के लिए तो योगी को बुला रहे हैं। आपको क्या उम्मीद है सरकार से, किसकी लहर है? योगी की है। योगी की है। योगी की उन्हीं को सोच के वोट देंगे। सोच के वोट देंगे। और सबसे जरूरी बात है कि जो केंद्रीय मोदी जी ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता जी। जिसकी इंटरव्यू ले रहा है एक साल में नौकरी दे रहा है जी। और इंटरव्यू के लिए ढूंढना पड़ता था, रिश्वत देनी पड़ती कि हमारा बच्चा पास हो जाए। किसानों के कोई मुद्दे अभी चल रहे हैं? किसानों के चल रहे हैं। ये मोदी जी ने वैसे किसानों को बहुत फायदा दिया हुआ है, लेकिन ये किसानों की बात की मान के चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और छः हज़ार उनके खाते में डाल रहे हैं, कोई ये छोटी बात नहीं है। कांग्रेस सही ने ऐसा नहीं किया था। हमारे साथ अब इस चाय की दुकान में सबसे खास इंसान से आपकी मुलाकात कराएंगे जो ये चाय की दुकान चलाते हैं, और वही बताएंगे कि सुबह से कैसे यहाँ मजमा लगता है लोगों का, और वो किस तरह से राजनीति बात करते हैं, और किस किस तरह की राजनीतिक बात होती है इनके चाय के स्टॉल पे। भैया आपका क्या नाम है? चेतन शर्मा। चेतन शर्मा, आपकी दुकान सुबह कितने बजे से खुलती है? मैं खोल लेता हूँ 8 बजे। 8 बजे तो इसी तरह अमूमन भीड़ होती है और लोग राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। किस तरह की बातें करते हैं? बातें होती हैं, बहस होती हैं, कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं। झगड़े हो जाते हैं? किस तरह की समझाना पड़ता है? किस तरह की बातों पे झगड़ा हो जाता है? यही राजनीतिक के ऊपर, कोई बुराई करता है, कोई बुराइयां करता है, और कोई उनकी तरफ से बोलता है, तो इसी बात में हो जाता है। मैं तो बीच बचाव करवाता हूँ उनका। अच्छा, आप तो बीच बचाव करते हैं, लोगों को शांत करते हैं राजनीतिक की बातों में जब झगड़ा होता है, लेकिन आप यहाँ चाय की दुकान चलाते हैं। आप बताइए, आपको किस हिसाब से लगता है कि किसकी लहर है और किसको सत्ता में आना चाहिए जब 2022 में चुनाव होंगे? देखो जी, लहर तो बीजेपी की है और काम बढ़िया कर रहे हैं योगी जी। इंदिरा गांधी के टाइम तक तो कुछ सही था, उसके बाद तो कोई नेता मोदी जी के बराबर का कोई आया ही नहीं, शायद ना कोई आएगा। तो ऊपर से मोदी जी हैं, नीचे योगी जी हैं। काम बहुत बढ़िया हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है और हमारे शहर में भी हो रहा है। इनके सामने कोई नहीं? अरे मतलब ही नहीं। जब तक हैं जब तक ये रहेंगे मोदी जी, और मोदी जी के बाद योगी जी रहेंगे, मतलब कोई नहीं आएगा। मतलब ही नहीं। भ्रष्टाचार सारा टोटल खत्म कर रहे हैं, माफियाओं की ऐसी तैसी कर रहे हैं पकड़ के। आज तक तो सबके सब डरते थे, ये डरने वाले बंदे नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी यादराम जुड़ गए हैं, वो बताएंगे कि अमूमन यहाँ की राजनीति कैसी रही है और किसके बीच कांटे की टक्कर रही है, और अभी जो राजनीति है वो किस तरह की है, क्योंकि अभी आगामी चुनाव काफ़ी नज़दीक है। यादराम देखिए, गाज़ियाबाद मैं बता दूं, गाज़ियाबाद खास तौर से ये क्षेत्र जहाँ जिस समय हम खड़े हैं ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, और यहाँ पर बीजेपी का मेयर, बीजेपी के विधायक वो यहाँ पर हैं। और जहाँ तक चुनाव की बात है, आने वाले चुनाव की बात है, तो आम तौर पर जो यहाँ के लोग हैं उनका मुद्दा हर बार चुनाव का यही रहता है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, या फिर क्राइम हो। सबसे मेन जो गाज़ियाबाद है उसको क्राइम का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई क्राइम नहीं है जो ना हो, यानी कि क्राइम की तरह तरह की वैरायटी गाज़ियाबाद में देखने को मिलती है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी इसी चीज़ को लेकर है, चूँकि गाज़ियाबाद बीजेपी का गढ़ है, सारे छोटे से लेकर बड़े तक सभी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि बीजेपी के हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का जो मुद्दा बेसिक जो है वो वही सड़क, पानी, बिजली वो रहता है। बाकी जनता है, चुनाव के समय डिसाइड करती है कि आखिर किसको चुनेगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि सरकार किसकी बनी है। हालांकि जिस गढ़ में मैं हूँ और जितने लोगों से मैंने बात की है उसमें से कोई भी एक भी शख्स ने नहीं कहा है किसी और पार्टी का नाम। इन सभी का एक सुर में यही कहना है कि सरकार तो सिर्फ योगी जी की ही आएगी, और हम जब जाएंगे वोट करने तो हम योगी जी का चेहरा सोचकर ही जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उनसे वो बहुत ही संतुष्ट हैं। इस वक्त मैं तुराब नगर मार्केट में खड़ी हूँ जो गाज़ियाबाद का बहुत ही फेमस मार्केट है, और यहाँ पर अमूमन काफ़ी तादाद में महिलाएँ आती हैं शॉपिंग करने के लिए। ये जो मार्केट है यहाँ पर कपड़े, चप्पलों, ज्वेलरीज की दुकान है, और महिलाएं अमूमन रविवार के दिन काफ़ी तादाद में यहाँ पहुँचती हैं। यहाँ पे महिलाएं अमूमन बहुत आती हैं जी।
तो उनसे भी कभी बातें होती होंगी जब वो आपसे सामान खरीदती होंगी तो कहती होंगी बहुत महंगा है, महंगाई बहुत हो गई है, इस तरह की अमूमन बातें होती होंगी आपसे? हाँ होती है, लेकिन लॉकडाउन के बाद बहुत सारी महंगाई हो गई इस चीज़ के लिए। महंगाई हो गई थी। आगामी विधानसभा चुनाव होने उत्तर प्रदेश में जी, आपके हिसाब से क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी की। मोदी की, योगी जी की प्रदेश में? हाँ, योगी जी की। तो महंगाई की बात आपने करी कि लॉकडाउन के बाद काफी हो गया, तो जो महिलाएं यहाँ आती हैं वो कहती हैं आपसे कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई कम होनी चाहिए? कुछ चीज़ों पे रेट बढ़ गए हैं, हर एक पे नहीं बढ़े। कुछ चीज़ें कंपनी को होती है, वो कंपनी से 10-20 रुपए बढ़ गए, तेल पे बढ़ गई है, तेल है, खाने पीने पे, इस चीज़ के लिए बढ़ गई है। यहाँ पे कुछ और महिलाएं, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। वो काफ़ी उत्साहित हो गई महंगाई का नाम सुनकर, और वो शायद ज़्यादा बेटर बताएंगी, उनका कहना है महंगाई को लेकर। आप महंगाई मैम कॉस्मेटिक पे नहीं बढ़ी है, महंगाई गारमेंट्स पे नहीं बढ़ी है, महंगाई आटे पे बढ़ी है, महंगाई तेल पे बढ़ी है, महंगाई पेट्रोल डीजल पे बढ़ा है। तो इसके लिए अगर सरकार कुछ कर सकती है तो वो करे। आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, किसकी लहर है? नहीं, लहर तो हम चाहते हैं कि मोदी और योगी ही रहें, पर जो ये महंगाई चल रही है ना उसके ऊपर थोड़ा सा काम करें वो लोग। तो आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं? मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जो महंगाई, हमारा पेट्रोल डीजल बहुत महंगा किया, खाने वाला हमारा तेल बहुत महंगा किया गया है, इससे क्या हमारे घर पे भी फर्क पड़ रहा है। आपका क्या नाम है? सुभाष छाबड़ा, महानगर अध्यक्ष शिव व्यापार मंडल। आप बाजार के प्रधान हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए, किसकी लहर है? देखो सरकार तो योगी की ही आएगी, योगी की आनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म के लिए भी काम करे हैं और समाज के लिए भी काम करे हैं। कोरोना वगैरह जो महामारी आई है ये तो कुदरत की देन है, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, फिर भी उन्होंने इस महामारी को बहुत हद तक कंट्रोल किया है। तो आपके हिसाब से कोई मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार तक पहुँचाए जाने चाहिए? यही है कि जैसे महंगाई है, महंगाई कम होनी चाहिए, गैस है, गैस के रेट बढ़ते जा रहे हैं, इनको कम होने चाहिए, ये जो आम चीज़ें हैं पब्लिक इस्तेमाल होने वाली इनके रेट कम होने चाहिए। कोई पार्टी जो आपको लगता है कि बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है? सपा है, बसपा है, और भी पार्टियाँ हैं मैदान में, अब तो शिवसेना भी कूद गई है उत्तर प्रदेश में, असदुद्दीन ओवैसी ने भी, एमआईएम के चीफ ने ऐलान कर दिया है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, और शिवसेना का तो कहना है कि वो पूरे 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपकी बात सही है, चाहे कोई कितनी भी सीटों पर चुनाव लड़े, टक्कर देगी तो थोड़ी मोटी ही देने वाली सिर्फ समाजवादी पार्टी ही है, और किसी पार्टी को नहीं लगता कोई पार्टी को बीजेपी सरकार को टक्कर दे सके। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को है अगले साल 2022 में, आपके हिसाब से क्या कुछ मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। कुछ नहीं करती, आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए, किसकी लहर है? अब ये कुछ नहीं कह सकते किसकी सरकार बनेगी। आपके हिसाब से किसकी सरकार बनी होनी चाहिए? योगी की, मोदी और योगी दोनों। मोदी केंद्र में है, योगी उत्तर प्रदेश दोनों। योगी क्यों? योगी ने काम तो अच्छे करे हैं, कुछ अच्छे करे हैं। चलिए, महंगाई की समस्याएं महिलाएं तो बता रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि एक ही चेहरा है जिसको वो वोट देंगी, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। आपको, आपके जहन में कोई मुद्दे ऐसे जो आपको लगता है कि सरकार को बताना चाहिए? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा, यूपी में तो कुछ नहीं लग रहा। किसी और पार्टी को लगता है कि बीजेपी को कांटे की टक्कर देगी? सपा है, बसपा है, तो शिवसेना भी है। मुझे तो लगता नहीं, अभी उनको देख के लगता नहीं है कि कोई उनके कांटे की टक्कर देने वाला अभी तक है, ऐसा नहीं लग रहा। कोई भी नहीं, किसी भी पार्टी से कोई असर नहीं होने वाला है? नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होगा। इस मार्केट में काफ़ी भीड़ भी महिलाओं की देखी जा रही है। कुछ और महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो 22 में जब चुनाव होंगे विधानसभा के उत्तर प्रदेश में, तो वो क्या उनकी मांग रहती है सरकार से, और किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने के लिए जाएंगी। यहाँ पर काफ़ी महिलाएँ हैं। सरकार जब बनेगी 2022 में उत्तर प्रदेश की, तो क्या मुद्दे लेकर आप वोट करने जाएंगी, किसकी लहर है? लहर किसको वोट करेंगी? हाँ, बीजेपी को जाएगी वोट तो हमारी। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी को आप वोट करेंगी? बीजेपी अच्छा काम कर रही है। कोई मुद्दे हैं जिसको लगता है कि सरकार को और काम करना चाहिए? तो हर बारे में, हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, हर चीज़ को लेकर चल रहे हैं वो। क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप 2022 में वोट करने के लिए जाएंगी, क्या सोच है आपकी? सबसे पहले तो महिलाओं की सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। महिलाओं की सेफ्टी? यस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, महिलाओं की सुरक्षा उतनी अच्छी नहीं है? नहीं, अभी भी नहीं है जितनी होनी चाहिए, अभी भी नहीं। अभी भी महिलाएं किसी भी टाइम पे रोड पे नहीं निकल सकती हैं। यहाँ गाज़ियाबाद में, जिस इलाके में, गाज़ियाबाद में
आपको यहाँ डर लगता है? कभी कभी तो डर लगता है, अगर मान लीजिए 12 मतलब कि 12 बजे के बाद 2-3 बजे रात में अगर हमें किसी इमरजेंसी में निकलना पड़े, मुझे 10 बार सोचना पड़ता है। किसको वोट, किसकी लहर है? लहर तो अभी बीजेपी की ही है, मेरी वोट भी बीजेपी को ही जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बहुत कुछ देश में सुधार भी हुआ है उनके आने से, बीजेपी के आने से। बहुत से मुद्दे पहले से जो अटके पड़े हुए थे, लाइक अयोध्या मंदिर, वो उन्होंने सॉल्व किया, और बहुत से मैटर है, लेकिन कुछ मैटर पे उन्हें काम करने की भी ज़रूरत है। इसी आशा के साथ मैं उन्हें आगे वोट देना चाहूँगी। आपका ये कहना है कि राम मंदिर बना है और इस मुद्दे पर भी उनको बहुत वोटिंग जाएगी और आप भी उनको वोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, मेरा वोट 100% बीजेपी को ही जाएगी, लेकिन उनको कुछ काम करने की जरूरत है। जैसे कि कोरोना आया था अप्रैल में, सेकेंड वेव, तो उस समय क्राइसिस इतने ज़्यादा हुए थे बेड को लेके, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके। मेरा सरकार से यही गुजारिश है कि आगे ऐसे क्राइसिस आए तो उनके लिए वो तैयार रहें, पहले से तैयारी की ज़रूरत है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, किसकी लहर है, कौन सी पार्टी की लहर है? मैम है तो मोदी जी। आप किसको वोट देंगे? मोदी जी को। मोदी जी तो केंद्र में हैं। हाँ जी, मोदी जी तो केंद्र में हैं, हम तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। बीजेपी को। बीजेपी को वोट देंगी? हाँ। तो वहाँ पर चेहरा योगी जी हैं, मुख्यमंत्री हैं वहाँ के। योगी जी तो बेस्ट हैं। आपको लगता है कि और भी कोई पार्टी ऐसी है जो वहाँ पर बेहतर कर सकती है? योगी जी बेस्ट हैं। पर क्या कुछ खास लगा आपको? कुछ का, हम यहीं रह रहे हैं, यहीं के निवासी हैं, तो हम यहीं का, हमारे आपकी सारी समस्याएं सही हैं, हमारे हमारे लिए तो ठीक है, हमारे बिजली पानी महंगाई सब सही है, हमारे लिए तो ठीक है, मतलब आपको कोई समस्या नहीं? नहीं, गवर्नमेंट आई जब से लाइट दी जैसे, सबसे बड़ा बेनिफिट लाइट का। नहीं बताइए क्या क्या बेनिफिट है? लाइट पानी सभी, हमारी एरिया बिल्कुल स्वच्छ है, और वो है लाइट पानी सब एरिया साफ, शिक्षा के वाइज से भी, और वैसे भी हमारे जो आसपास का एरिया वो भी बहुत अच्छा है, क्राइम सुरक्षा के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। आप बहुत सुरक्षित हैं? हाँ, हम सुरक्षित अपने क्षेत्र में, एटलीस्ट हम तो सुरक्षित हैं। बाहर निकलती हैं तो आपको लगता नहीं कि कोई कुछ कर? नहीं नहीं नहीं। तो आपको कुछ सरकार से नहीं चाहिए? नहीं, अभी तो नहीं चाहिए, फिलहाल हम लोगों के लिए तो सफिशिएंट है। तो चुनाव देने वोट देने जाएंगी तो योगी सरकार को। तो कुछ और भी हैं यहाँ पर, युवा हैं, ये पहली ऐसी युवा हैं जिसको सामने से बात करेंगे। आप युवा हैं, बहुत भविष्य की कामनाएं होती है, बहुत सारी प्लानिंग्स होती है, सरकार से कुछ आकांक्षाएं? नहीं, वैसे तो अभी कुछ नहीं है, नहीं। तो आपको कुछ लगता है कि 2022 में चुनाव होने हैं तो यहाँ किसकी सरकार आनी चाहिए, कौन सी पार्टी दमदार है, कौन सी पार्टी अच्छा कर रही है, आपके भविष्य के लिए कौन सरकार अच्छा फैसला ले सकती है? बीजेपी है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, किसकी लहर है, कौन सी पार्टी दमदार है, बीजेपी, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। ऐसा क्यों लगता है? लगता है क्योंकि बहुत काम किया है और आगे भी करेगी, तो किसी पे और पे भरोसा नहीं है, इस वजह से बीजेपी। आप पढ़ाई करती हो ना? हाँ। फोकस्ड हो फ्यूचर के लिए, क्या बनना चाहती हो? अभी तो सोचा नहीं है, पढ़ाई कर रही हूँ अभी। पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी स्कूलिंग हो, स्कूल में क्लासेस में अच्छी पढ़ाई मिल सके, इसके लिए कौन सी सरकार होगी ऐसा जो आपके भविष्य के अच्छे फैसले लेगी? मुझे लगता है कि बीजेपी हर चीज़ में अच्छी है, कि एजुकेशन और सब चीज़ों में, मुझे लगता है। कोरोना का भी असर हुआ है? कोरोना का तो असर है ही मैम, उसमें जब कोरोना का जो सेकंड वेव आया था उससे कुछ आपको लगता है अस्पताल में जो प्रॉब्लम्स हुई थी, बेड नहीं मिल रहा था? मैम बहुत ज़्यादा हुई थी। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? मैं तो सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि आप सबसे पहले तो ये देखिए कि मतलब जो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ ही आ रहे हैं, एक तो जो मतलब लोगों के पास नौकरियां नहीं है, अभी 2 साल के अंदर नौकरियां अवेलेबल नहीं है। बहुत लोगों से हमने बात करने की कोशिश की है, कुछ मुद्दे हैं जो लगातार लोग मुद्दे उठाते रहे हैं, युवा हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सुनो पहले, मेरा भैया किसकी लहर है? तीसरी लहर। किसकी लहर है? उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है 2022 में, मोदी जी की सरकार है, अभी तो सब मोदी जी की लहर ही चलनी है। चुनाव तो होंगे 2022 में, सरकार बदल भी जाती है, अभी तो ऐसे ही रहेगा ना अभी। आप किसको सोच के वोट देंगे? मोदी जी को ही सोच के बोलेंगे। ये तमाम पार्टियां लगी हुई है अपनी अपनी रणनीति बनाने में, 2022 को साधने में, और देखने वाली बात ये होगी कि ये तमाम पार्टियां जो अपनी रणनीति बना रही है उसमें कितना कामयाब होती है और किसको जीत मिलती है। फिलहाल 22 की लहर में इतना ही, नमस्कार।